ये हमारी उपलब्धि है ना कि हिंदू मुसलमान की बातों से अब रोजगार के सवाल पे बहस हो रही है। अरे भाजपा वाले लोग थोड़ी ना जो है वादा पूरा करेंगे, वादा तो हम लोग पूरा करेंगे। और ये लोग 2 साल लगभग सत्ता में रहे, इन लोगों ने, भाजपा के लोगों ने 19 लाख में से 19 रोजगार भी दिया क्या, नौकरियां दी? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, लेकिन बिहारवासियों को उम्मीद है तेजस्वी यादव से। उम्मीद है कि तेजस्वी यादव कब 10 लाख रोजगार देंगे। जब इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव से पूछा गया कि वो रोजगार कब देंगे, तो क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, पहले आप सुनिए। हमारी अलायंस पार्टनर है और सबसे पुराना संबंध हम लोगों का रहा है, तो ज़रूर जो बीजेपी को जो झटका लगा है और हमारे जितने अलायंस पार्टनर हैं, आपने देखा होगा चाहे डी राजा जी हों, येचुरी जी हों, CPI, CPM, दीपांकर जी नहीं थे ना, उनसे भी फ़ोन पे हमारी बात हुई है और अभी सोनिया मैडम जी से मिलने जा रहे हैं। बीजेपी लगातार हमला कर रही है और आपसे सवाल पूछ क्या कब पूछ तक रही है? 10 लाख लोगों को नौकरी, ये हमारी उपलब्धि है ना कि हिंदू मुसलमान की बातों से अब रोजगार के सवाल पर बहस हो रही है। और आपको भी हम धन्यवाद देते कि जो लोग सोए हुए थे, रोजगार की बातें नहीं पूछा करते थे, चर्चा नहीं होता था, वो पत्रकार मीडिया भी जाग चुकी है, अब तो ये उपलब्धि ही है ना। अरे भाजपा वाले लोग थोड़ी ना जो है वादा पूरा करेंगे, वादा तो हम लोग पूरा करेंगे। और ये जो एड़ी अलगा अलगा करके जो पूछ रहे हैं कि 10 लाख कब देंगे, तो आज तो मुख्यमंत्री जी ने इसके बारे में आप लोगों के समक्ष बात तो रखी है अपनी, लेकिन इनसे भी ज़रा पूछो कि 2 करोड़ का क्या हुआ। और ये लोग 2 साल लगभग सत्ता में रहे, इन लोगों ने, भाजपा के लोगों ने 19 लाख में से 19 रोजगार भी दिया क्या, नौकरियां दी क्या? मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आगे से बातचीत होगी, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हर तरह की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं देश की, राज्य की, सब चीज़ों पर। कांग्रेस ने कहा है कि सम्मानजनक सीट मिलना चाहिए मंत्रिमंडल में। अरे भाई आप चलिए ना भाई। तेजस्वी जी, बीजेपी शराबबंदी पे सवाल उठा रही है। चलो हो गया, शराबबंदी पे बीजेपी सवाल उठा रही है। अच्छा ठीक, तो आपने देखा तेजस्वी यादव साफ साफ कह रहे हैं को जल्द इसके ऊपर काम करेंगे। और जो जिस तरीके से आज के समय में रोजगार के ऊपर बातचीत हो रही है, उसका वो सराहना कर रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी से पहले हिंदू मुस्लिम के ऊपर बातचीत करती थी, लेकिन आज के समय में जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, पिछले कई दिनों से रोजगार के ऊपर सवाल किया जा रहा है, उन्हें ये चीज़ें पसंद है। तेजस्वी यादव का कहना है कि जल्द इसके ऊपर काम करेंगे, लेकिन जो सवाल तेजस्वी यादव से पूछा जा रहा है कि क्या 10 लाख रोजगार जब वो उप मुख्यमंत्री बने हैं, क्या पहला हस्ताक्षर से वो 10 लाख रोजगार देंगे बिहारवासियों को? क्योंकि जब से तेजस्वी यादव बिहार में डिप्टी सीएम बने हैं, सबसे पहला सवाल, और लोग लगातार तेजस्वी यादव से यही पूछ रहे हैं। देखना है होगा कि तेजस्वी यादव कब इसके ऊपर मुहर लगाते हैं। दिल्ली से सौरभ राज, लाइव सिटीज़।